अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शायदा परवीन फिर से हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है तहरी। कभी कभी हम आलू की तहरी फ्रेंड्स खाते खाते बोर हो जाते हैं, तो फिर कुछ डिफरेंट तहरी खाने का मन करने लगता है। तहरी तो बहुत सारी चीज़ों से, सब्जियों से भी बनती है, लेकिन मैं यहाँ पर आज मीट की तहरी की रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। आइए तहरी बनाना स्टार्ट करते हैं। गोश्त की तहरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम गोश्त ले लिया है। ये गोश्त बकरे का है, ये देखिए थोड़ा सा ये फैट वाला है और थोड़ा रूखा है। अब इस मीट में हम 2 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट मिला देंगे, ये देखिए इस तरह से। 1 चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, ये देखिए। गरम मसाला पाउडर हम 1 चम्मच, ये देखिए छोटा चम्मच भर के डालेंगे। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मैरिनेट कर देंगे और इसको 15 मिनट के लिए हम रख देंगे इस तरह से। मैंने ये सारी चीज़ें अच्छे से मैरिनेट करके रख दी हैं, ये देखिए। और अब हम इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर भी ऐड कर देंगे, ये देखिए। इसे भी हम अच्छे से मिक्स करके रख देंगे। फ्रेंड्स, 15 मिनट हो चुके हैं, मीट हमारा अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। आइए अब हम मीट को कुक करने की तैयारी करते हैं। यहाँ पर मैंने कुकर गैस पे रख दिया है, गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। आइए अब हम इसमें ऑयल डालते हैं, स्टार्ट करते हैं कुक करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कुकर में 5 से 6 चम्मच तेल ऐड कर रही हूँ, ये देखिए। फ्रेंड्स, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें ये प्याज ऐड कर देंगे, ये देखिए। 1 मीडियम साइज का प्याज मैंने थोड़ा मोटे टुकड़ों में काट लिया था, इसे अब हम ऑयल में ऐड कर देंगे। प्याज मैंने कुकर में ऐड कर दी है, अब हम इसे लाइट ब्राउन होने देंगे 1 मिनट तक के, बस इसे भूनेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क हम इसे ब्राउन नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी प्याज लाइट ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। अब यहाँ पे ये जो मीट मैंने मैरिनेट करके रखा था, ये देखिए, ये अच्छे से मैरिनेट हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे ऐसे, इसे हम ऑयल में डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, प्याज में हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस मीट को। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 1 चम्मच हम फिर से इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। 2 चम्मच मैं मीट में भी ऐड कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैं 1 ही चम्मच डालूँगी। यहाँ पर हम 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे फिर से। पहले मैंने 1 चम्मच मिर्च पाउडर इसमें ऐड किया था मीट में, आप मिर्च भी अपने हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ खुशबू के मसाले लिए, ये देखिए 2 टुकड़े तेज़पत्ते के हैं, 2 छोटी इलायची है, 8 लौंग के पीस है, 2 टुकड़े दालचीनी के हैं, 1 छोटा चम्मच साबुत ज़ीरा है। मैंने बहुत ही लाइट मसाले फ्रेंड्स लिए खुशबू के, उससे ही खाना, लाइट मसालों से खाना काफ़ी टेस्टी बनता है, इसलिए मैंने लाइट मसाले लिए। अब हम ये सारे मसाले इसमें ऐड कर देंगे ऐसे। यहाँ पे अब हम 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर भी ऐड कर देंगे। यहाँ पे हम 1 चम्मच भर के ये छोटा चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर रहे हैं। थोड़ा सा मुझे कुछ थोड़ा सा कम लग रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा 1/4 चम्मच धनिया पाउडर और ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे जो मैरिनेशन का पानी इसमें छूटा था, अब हम उसे इस पे इसमें डाल के 1 मिनट तक चला लेंगे, पानी को ड्राई कर लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा पानी इसमें था, इसे हम ड्राई कर लेंगे, अच्छे से भून लेंगे मीट को। उसके बाद हम इसमें 3 से 4 सीटी ले लेंगे कुकर में। यहाँ पे मैंने ये मैरिनेट वाला पानी सुखा लिया है, अब
इसे मैंने अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें ये देखिए एक गिलास पानी ऐड करेंगे इस तरह से। इसमें अब हम तीन से चार सीटी ले लेंगे फ्रेंड्स। मैंने इसमें पानी थोड़ा कम ही ऐड किया है, आप अगर बीफ मीट बनाएं तो उसमें थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड कर सकते हैं। मैं बकरे का बना रही हूँ तो इसलिए मैंने कम पानी ऐड किया है। अब मैं इसमें ढक्कन लगा रही हूँ क्योंकि ये मीट जल्दी गल जाता है। आइए फ्रेंड्स, तीन से चार सीटी हो चुकी है, मीट हमारा अच्छे से कुक हो गया। अब हम इसे खोल के देख लेते हैं ढक्कन हटा के कि ये गल गया है या नहीं। फ्रेंड्स, मीट हमारा चेक कर लेते हैं गल गया है या नहीं। ये देखिए काफ़ी अच्छे से ये गल चुका है। ये देखिए अब हम इसे भून लेंगे। गैस का फ्लेम हम ऑन कर देते हैं। मीट जब तक कि हमारा भून रहा है तब तक कि आइए हम चावल देख लेते हैं तहरी के। यहाँ पर मैंने ये चावल ले लिए हैं। चावल करीब हमारे 500 ग्राम है। इसे मैंने अच्छे से वॉश करके रखा है, पहले से ही भिगो के, मैंने एक घंटा पहले भिगो के रखा था। यहाँ पे मैंने दो छोटे आलू लिए हैं, इसे मैंने इन शेप में काट लिया है। आप अपने मनपसंद शेप में काट सकते हैं। मैंने आलू की क्वांटिटी इसलिए कम रखी है फ्रेंड्स क्योंकि इसमें मीट भी इस तहरी में ऐड होगा, इसलिए मैंने आलू थोड़े कम ही रखे हैं। जब हम लोग सिर्फ आलू की तहरी बनाते हैं तो उसमें आलू ज़्यादा रखते हैं। यहाँ पे मैंने तीन हरी मिर्च ली हैं, इसे मैंने बीच से ऐसे काट लिया है। मैंने मीट में पहले भी मैरिनेशन में भी एक चम्मच मिर्च डाली थी और उसमें भी डाली थी, गोश्त को उसमें बघारने में भी डाली थी, तो इसलिए मैं तीन मिर्च ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से मिर्च ले सकते हैं। कुछ पत्तियाँ मैंने धनिया की रखी हैं, आप थोड़ा और ज़्यादा धनिया रख सकते हैं। इससे मैं तहरी को गार्निश करूँगी। फ्रेंड्स, मीट हमारा अच्छे से भून चुका है। मैं इसमें 500 ग्राम चावल में 250 ग्राम मीट ऐड कर रही हूँ। आप इसमें बराबर का भी मीट ऐड कर सकते हैं। अब हम इस कुकर में ये चावल ऐड कर देंगे। चावलों में मैंने एक टुकड़ा दालचीनी का और दो लौंग भी ऐड की है। अब हम इसमें ये भुने हुए मीट में आलू ऐड करेंगे, ये देखिए इस तरह से, और इसे एक मिनट तक के भून लेंगे। ये देखिए हम इसे एक मिनट तक के चला लेंगे, आलू भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए ताकि। अब हम ये चावल इसमें ऐड कर रहे हैं फ्रेंड्स। इस कुकर में मैंने चावल ऐड कर दिए हैं, इसे अब हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैंने ये जो हरी मिर्च काट के रखी थी इसे हम ऐड करेंगे। मिर्च आप अपने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अब मैं इसमें ये एक गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। मैं इसमें पानी थोड़ा कम ऐड कर रही हूँ क्योंकि चावल हमारे पहले से ही काफ़ी भीगे हुए थे। आप जिस हिसाब से चावल भिगोए पानी वैसे ही आप ऐड कर लीजिएगा अपने अंदाज से। मैं इसे कुकर में बना रही हूँ, आप इसे पतीले में भी बना सकते हैं। अब हम इस पर ढक्कन लगा देंगे और दो से तीन सीटी ले लेंगे और फिर इसे गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। फ्रेंड्स, कुकर का ढक्कन मैंने हटा दिया है, कुकर अच्छे से ठंडा हो चुका था। ये देखिए इस तरह का कलर हमारा तहरी का आया है। अब हम इसमें थोड़ा सा कुछ बूंदे केवड़े की ऐड करेंगे। ये देखिए मैंने इसमें केवड़ा ऐड कर दिया है। अब हम इसमें ढक्कन लगा देंगे ताकि केवड़े की खुशबू अंदर ही अब्सॉर्ब हो जाए। एक मिनट बाद हम इसे कुकर का ढक्कन हम हटा देंगे और इसे एक बोल में सर्व कर लेंगे तहरी को। फ्रेंड्स, फाइनली तहरी हमारी रेडी हो चुकी है। आप इसे अचार से, ग्रीन चटनी से, दही के रायते से भी खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत मज़ा आता है इसे खाने में। सलाद भी आप इसकी, खीरे और प्याज टमाटर की सलाद भी आप बना के इसे उससे भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपने एक्सपीरियंस हमें बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह जल्द ही एक नए वीडियो में आपसे फिर से मिलूँगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमें
सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जल्दी ही मिलती हूँ एक नए वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिदा परवीन।